नंबर थ्री है, नंबर टेन है, पूरी दुनिया आपके पास है। रख रख के मारा बच्चों ने आज आपको, और वन साइडेड मैच साउथ अफ्रीका जीती। बीच में आपने थोड़ी बहुत अपनी फॉल्स होप्स आपकी जागी, मुकेश कुमार ने, मिलर ने छक्का मारा फिर आउट करा, कुलदीप ने विकेट ली, सिराज ने विकेट ली, लेकिन फोड़ फाड़ के अलग कर दिया। लास्ट ओवर तक भी मैच नहीं गया। हमेशा की तरह ज्यादतियां आपने करी, हमेशा की तरह। क्या आज रवि बिश्नोई का यह मैच खेलना नहीं बनता था? अब देखिए, मैं दो मैच से कोई बुरा या अच्छा नहीं हो जाता, लेकिन मैं यही देखना चाहता था मेरी जान के इंडिया से बाहर निकलोगे, जहां पे तुम्हारा कोच बोलता है कि वर्ल्ड कप फाइनल इसलिए आ रहे बेटा क्योंकि ना पिच में टर्न नहीं मिला जी। सपोजिटली पैराफ्रेस कर रहा हूं, बोला तो यही है ना कि पिच की वजह से हार गए जी हम तो फाइनल। पांच पिचेस को तुम्हारा आईसीसी ने, जो इंडिया में मैच हुए हैं उनको दिया बिलो एवरेज। कौन से मैच थे जी वो जो सारी बड़ी टीमों से खेले हुआ? और एक प्रेशर मैच पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान वाला मैच सब पार पिच, ऑस्ट्रेलिया फाइनल सब पार पिच, साउथ अफ्रीका वाला मैच एवरेज पिच, इंग्लैंड वाला मैच एवरेज पिच। जो जो ढंग की टीम थी तुमने वहां पे अपनी कारिस्तानी कारीगरी करके दिखा रखी थी ना, मतलब बाहर आयो तुम्हारी असलियत सामने आ रही है। मैं तो पहले मैच में भी देखो, कुछ जाहिल लोग हैं जो बोल रहे थे एशिया कप में बारिश होगी 266 वाले मैच, मैंने बोला था बेवकूफों वो तो मैच हम ही जीतते, तब तो रेन सेव्ड पाकिस्तान। जब से साउथ अफ्रीका आयो, जो पहला मैच नहीं हुआ वहीं पे मैंने स्पोर्ट्स सारी पे बैठ के, मैं ही एक अकेला जर्नलिस्ट हूंगा जिसने बोला था रेन सेव्ड इंडिया। यहां पे मारो ना रन यार, यहां पे बनाओ रन। और तुम्हारी बोलिंग एक मतलब कि एक पता नहीं ऐसा हमें किसी ने बद्दुआ दे रखी है कि क्या है। यूएई वाला वर्ल्ड कप देख लो, 152 फॉर नो लॉस पाकिस्तान जीतती है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप देख लो, 172 फॉर नो लॉस इंग्लैंड जीतती, एक विकेट तुमसे नहीं ली जाती। और क्यों नहीं ली जाती जी? जो तुम्हारा बेस्ट बॉलर है, जो तुम्हारा नंबर वन T20 बॉलर है, अभी यही बात कर रहे थे कि भाई नंबर वन T20 बॉलर जो है तुम्हारा रवि बिश्नोई, उस जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के आ रहा है उसको खिलाए नहीं। अच्छा, कौन तुम्हारी जान बचाता था वैसे, बाय द वे भाई? अभी जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ है, शुरू में मारते थे ऑस्ट्रेलियन तुम्हें, दोनों ओपनर मारते थे, आता था रवि बिश्नोई बोल्ड मारता था, कभी मैथ्यू शॉर्ट को बोल्ड मार रहा है, कभी दूसरे वाले को बोल्ड मार रहा है, विकेट ले रहा है, वहां से रिदम तोड़ता था। आज वो था ही नहीं, इन्होंने तुम्हें तोड़ दिया। जहन्नम की लानत में बोलता हूं, 13.5 ओवर में 150। वो भारत हार गया है, 15 ओवर का मुकाबला था और साउथ अफ्रीका ने इसको मतलब कोई तकलीफ नहीं आई, थोड़े विकेट जरूर गिरे बट आई थिंक ये इजिली चेस कर दिया उन्होंने स्टार्ट में ही, जिस हिसाब से रीजा हेंड्रिक्स और इस्लामी बल्लेबाज थे उनके साथ में ब्रेट्स की। इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो T20 सीरीज चल रही है, इसका पहला मैच तो ड्रा हो गया था बारिश की वजह से, खेला ही नहीं गया था, जबकि दूसरे मैच में इंडियन टीम की बुरे तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अगर बात की जाए इंडियन टीम की बैटिंग की, तो बैटिंग खासी बेहतर थी। विक्रांत गुप्ता कहना है कि इंडियन टीम की बैटिंग मैच में अच्छी नजर आई, लेकिन इंडियन टीम की जो बॉलिंग थी वो बहुत मायूस कुन बॉलिंग थी। मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा जैसे क्लासी तजर्बेकार और मंझे हुए बॉलर मौजूद थे, लेकिन इतने बॉलर, हालांकि इतने बॉलरों को पता था कि हमने डीएलएस से पहले आउट करना है, लेकिन डीएलएस के रन रेट के मुताबिक नहीं आउट किया, बारिश की वजह डीएलएस हो गया और डीएलएस की रिकॉर्डिंग रेड के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका मैच जीत गया और इंडिया मैच हार गया। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि सारा गलती इंडियन बॉलर्स की है, इंडियन बॉलर्स को पता था कि हमने इतने रन से पहले, इतने स्कोर से पहले आउट करना है, जो कि नाकाम रहे। कल के मैच में बहुत स्कोर पड़ा रविंद्र जडेजा को, मोहम्मद सिराज को, लेकिन ये दोनों बॉलर स्कोर रोकने में नाकाम रहे, दोनों बॉलर एक भी बड़ी विकेट नहीं निकाल पाए। हालांकि इतने बड़े बड़े बैट्समैन साउथ अफ्रीका के नहीं थे क्योंकि उनके जो बड़े बैट्समैन है वो रेस्ट पे हैं, लेकिन इतने जो इंडिया के बड़े बड़े बॉलर थे वो इतने बड़े बड़े बॉलर हो के भी साउथ अफ्रीका के मीडियम बैट्समैन की विकेट नहीं निकाल पाए। अगर वो पहले वक्त से पहले विकेट निकाल लेते और बारिश की वजह से मैच ड्रा भी हो जाता तो डीएलएस की रेट के अकॉर्डिंग इंडिया मैच जीत जाता। विक्रांत गुप्ता का मजीद कहना था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे T20 वर्ल्ड कप में बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन टीम की T20 में फॉर्मेट के अंदर बैटिंग बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बैटिंग बॉलिंग होने के बावजूद ये हाल है तो अगर T20 वर्ल्ड कप में जहां दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें आएगी तो वहां पर इंडिया टीम का क्या बनेगा। ने एक और अच्छा डाल दिया 5 रन में, तब भी 3 में 43 हो गए थे, 4 पे 51। वापसी होती नहीं है इस तरह के मैचेस में ना। आई थिंक वो जो अर्शदीप ने दूसरा, देखो सिराज को जो पहले ओवर में रन पड़े 14, वो रन लगे नहीं उनको, एजों के चौके हुए, सही बात, थर्ड स्लिप से कैच जा रहा है, कहीं से जा रहा है।
अर्शदीप ने जो अगले ओवर में रन खा 24 रन, वो फिर वो मैच खत्म हो गया था। अगर आपने ऊपर से एक आउट कर दिया होता, दो आउट कर दिए होते, आपने तीन को ओवर में आपके 22-23 रन में तीन ओवर डाल दिए होते, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। यहाँ पे तो यार दो में अगर आप 38 हो तो मैच कहाँ पे हो आप, यू आर नॉट देयर इन द गेम ना। सही बात है। और मुकेश की दो विकेटें हैं, एक कुलदीप की है, एक सिराज की है, बट ये है कि उन्होंने फैंटी बहुत जबरदस्त चढ़ाई, बहुत तेज मारा उन्होंने, मैरो क्लासन आउट हो गए, उन्होंने छक्का मारा एक, आप देखिए उसने माकरम ने मारा एक, ये फिले हुआ है ना जो आखिरी मार दिया स्टेडियम के बाहर। सर बैट्समैन की हम बहुत बात करते हैं, कौन होगा वर्ल्ड कप टीम में, कौन नहीं होगा, अर्शदीप सिंह आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके का सीरियस कंसर्न है। देखिए आपका अगर सब फिट रहते हैं, बुमराह, मोहम्मद सिराज दो फास्ट बॉलर हैं जो श्योर शॉट चले जाएंगे, आप जगह रहती है सिर्फ दो और की टीम, क्या आप वही पुराने फॉर्मूला पे जाते हो कि आ गया वर्ल्ड कप, मोहम्मद शमी को वापस ले आओ, मोहम्मद शमी आईपीएल में है, गुजरात के लीडिंग बॉलर भी है, बॉलर है भाई, वो आउट तो करते ही है। सही बात। अब एक और ऑप्शन आपके पास आ जाती है मुकेश कुमार की, फिर आपके पास एक ऑप्शन है दीपक चहर जो नीचे बैटिंग भी कर लेंगे, दीपक चहर को बैटिंग का एडवांटेज, वो यूटिलिटी, वो एक चौथा जो फास्ट बॉलर वाला स्लॉट है ना, मुझे लगता है कि वो दीपक चहर लेके 54 चेज हो गया, तो बोल देता कि भाई भूल जाओ अफ्रीका को एडवांटेज है, और ये भाई 28 रन विकेट्स पे मिलती नहीं है भाई, ये जीता है कि वर्ल्ड कप, ऐसे वर्ल्ड कप जीतोगे तुम ना, आपकी बैटिंग, आपकी ठस्सी बैटिंग है, आपकी ठस्सी बॉलिंग है, ऐसे वर्ल्ड कप जीतोगे, ये है आपकी टीम, ये विनिंग टीम है। क्या कर रहा रविंद्र जडेजा, क्या बॉलिंग है जट्टू की भाई, क्या है ये, आपको साउथ अफ्रीका ने एक तरफा धो दिया है, साउथ अफ्रीका ने भाई आपको एक तरफा धो दिया है। अब भाई विकटे शुरुआत में विकटे कौन निकालेगा, कौन सी सिराज ने भाई अच्छी बॉलिंग कर दी, कौन सी अच्छी बॉलिंग कर दी, आपको विकटे चाहिए होती है, विकटे कौन निकाल के देगा, थर्ड क्लास बॉलिंग भाई, थर्ड क्लास कप्तानी भाई, शुरुआत की पहली बॉल पे आपने स्लिप नहीं लगा रखी थी, क्यों भाई, क्या विकेट लेकर आप जीतते जाओगे ब्रो, कंडीशंस भाई, कंडीशंस का कसूर रहा है, कंडीशंस हमारे खिलाफ थी, ग्राउंड पूरा गीला था, बॉल गीली हो रही थी भाई, एक फैक्ट